मिनट टू मिनट कार्रवाई हो रही है विक्रम सिंह जी। मैं बता देता हूं कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही गंभीरता से इसको ले रही है और बच्चों के भविष्य के साथ मिनट टू मिनट उनके साथ कुछ है। केंद्र के मंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेकर के और जितनी जल्दी हो सके दोषियों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि यह पूरा परिणाम आ जाना है 24, 48, 72 घंटे में, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि ये साधारण वक्तव्य नहीं है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, दोनों ही काम करने वाले लोग हैं और बिहार का ही नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य का बात है, उसमें सारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसमें सहयोग भारत सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी, बिहार सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी और धीरेन्द्र दोषी जी, बातें तो आप सिर्फ कह रहे हैं ना, वक्त तो बीत गया, बच्चों ने तो हंगामा कब से किया, अब जाकर तो आप आरोपियों के पास तक पहुंचे हैं। और दूसरा जो बयान आया था शिक्षा मंत्री का, वो कोई आप भूला इसके तो लिए नहीं है क्या ना? बिहार सर आपने भी तो प्राची क्लीन जी चिट दे अगर दी थी एकदम एनटीए को। मैं जैसे क्लीन चिट जब जांच चल रहा हो तो किसी को क्लीन चिट कैसे अभी दी जा सकती है? जब हम एक एक आरोपी को भारत के सामने ला दे, बिहार के सामने, बच्चों के सामने ला दे, तभी ना तो आपको पता धीरेन्द्र जी, चल ये जाएगा तो कि आप अजब क्लीन बात गड़बड़ी बता कहाँ रहे हैं। हुई कहीं है। गड़बड़ी हुई है, आप उसे क्लीन चिट दे दीजिए और कहिए जांच पर भरोसा रखिए, तो कैसे आप पर भरोसा रखा जाएगा? यही सवाल है जो याचिकाकर्ताओं के जहन में भी है। श्वेतांग जी बताएंगे इसको। श्वेतांग जी, थैंक यू प्राची। प्राची जी, मेरा ये कहना है आज की डेट में, देखिए हम कोर्ट गए, कोर्ट में आते ही एनटीए ने सबसे पहले अपनी गलती मानी कि हमने गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उन्होंने पहले ही आके विड्रॉ किया उस चीज को, कोर्ट के सामने समक्ष आके आपने बोला कि हाँ हमने गलत दिए, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा है, ये खाली एक बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। हर जगह से बच्चों ने पेपर दिया है, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुए हैं, खाली बिहार नहीं है और भी जगह है। एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 अंक पा रहे हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। और इसमें तो मेरा कहना यह है कि आज की डेट में जितने राजनीतिक दल हैं सबको एक पेज पे आके हमें बच्चों का समर्थन करना चाहिए, जितने जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है एनडीए में। मैं कोर्ट के सामने मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपको ये जो भी आपने परीक्षा कराई है इसको रद्द कराना चाहिए। और एक मैंने एसआईटी की भी मांग रखी है माननीय शीर्ष अदालत के सामने कि एक एसआईटी गठित की जाए, क्योंकि आप खुद ही जांच कर रहे हैं, खुद ही सारी चीजें देख रहे हैं, अपनी ही कमेटी बना रहे हैं, तो हमें उस कमेटी पे भरोसा नहीं है। हमें उस कमेटी पे भरोसा है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें वाद विवाद संवाद ना करते हुए अगर हम ये देखें कि अगर हमारे बच्चों का 24 लाख बच्चे जो इस परीक्षा के लिए बैठे हैं आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। मेरे पास जगह जगह से पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, वो हमको अपनी बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मेरा बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है। आप ये देखिए उस बच्चे के ऊपर क्या असर होगा आज की डेट में, जी क्या उसका विश्वास रहेगा हमारे इस लोकतंत्र में इन सब चीजों को लेके, कि जो सरकार एक पेपर लीक नहीं संभाल पा रही है तो वो हमको क्या संभालेगी आगे चल के। तो हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि अगर आप इसकी सेंटिटी बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराए जहां ये सारी घटनाएं ना। ठीक है, अब जीन शाहिन जी, बड़ी छोटी सी मांग है इन लोगों की और ये बहुत बड़ी मांग है कि हमें निष्पक्षता चाहिए। निष्पक्षता तभी आएगी जब निष्पक्षता आपके बयानों में आएगी। सियासी वार पलटवार करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं सुन रहा था सभी साथियों को अभी, जैसे विक्रम जी बता रहे थे या जो हमारे कानूनी विशेष ये है श्वेतांग जी वो बता रहे थे, हम मानते हैं इस चीज को कि एग्जाम देखिए 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 कि आपका नए सिरे से करवाना चाहिए, उसके ऊपर गौर हो रहा है कि आपके इनको कैंसिल करके एक नए एग्जाम लिए जाए, ये भी एक ये है। अभी कल तक का क्या जो भी है सामने आ जाएगा और उसके बाद, या अपने जो पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि हर एक एक सेकंड क्या बता रहे थे कि काम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता कि जो पुलिस अपना काम कर रही है, कैसे कर रही है, कितना तेज कर रही है, हमें बताने की वो जरूरत नहीं है यहाँ पर पब्लिक डोमेन में। लेकिन इतना ही उम्मीद रखिए आप, ये सरकार के ऊपर कम से कम भरोसा रखें कि घोटालेबाज जो लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप इतना तो कम से कम सोचिए कहाँ से कहाँ लाए हम लोग बिहार को, और जहाँ पर एनडीए की मजबूत सरकार है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का साथ है, सपोर्ट है, एनडीए का सपोर्ट है, मैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये गलत गलत फहमी है, नहीं शाहिन या जी, कुछ देखिए लोग पब्लिक ऐसा डोमेन में अगर चीजें नहीं आनी चाहिए तो पब्लिक डोमेन में सियासी सियासी बातें तो आ रही है ना,
पब्लिक डोमेन में अगर पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो बात, ये वो नहीं बात आनी चाहिए, कुछ चीजें तो फिर सियासी जी कुछ चीजों को आप समझा करिए। चोर कहाँ छुपा हुआ है, हमने कहाँ हाथ डालना है, तो वो टीवी चैनल पे बोल देंगे तो चोर वहां से निकल जाएगा। मत बताइए ना, और तो ये जिन सब पर आरोप जो है उनका नाम तो खुलेआम ले रहे हैं टीवी चैनल पर। आप वो तो है, वो क्योंकि जो मेन डाकू है वो तो पता है सब लोगों को कि तो यहाँ पर जो डाका डालने वाले जो डाकू है वो है कौन। डाकू तो चंबल घाटी में भी एक ही रहा करता था थोड़ी, वो तो फौज थी उसकी, सरदार तो एक ही था। तो सेम इज द केस, यहाँ पर भी वही सेम है, वो तो आप जानते हैं कि कैसे क्या। या जो पुरानी हमने सिकंदर्स पकड़े, पुराने केसेस पकड़े, वो कौन लोग थे, ये लोग तो थे। आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई की बातें, चोर भाग जाता है, फिर आप कह रहे हैं डाकू तो एक है, डाकू का नाम आप सबके सामने ला रहे हैं, उसी डाकू के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई है 1.5 साल। नहीं देखिए, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम लोग यकीन दिलाना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कार्रवाई होगी, एक्शन भी होगी। चलिए ठीक है, मैं फिर विक्रम जी आ रही हूँ, बस एक टिप्पणी में प्रियंका जी के ले लूँ। प्रियंका जी, राजीव जी देखिए, मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि दोबारा से रीएग्जाम हो, रीएग्जाम के ऑर्डर तो पहले भी 2015 में जो AIPMT का पेपर लिखा था तब भी कोर्ट ने दिए थे। मसला ये है कि जो लोग करवा रहे हैं इसको क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है इतिहास को देख करके। NTA को सबसे पहले बर्खास्त करना होगा, सिस्टम को ही खत्म करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को शक के कटघरे में उनपे जांच बिठाई जानी चाहिए, जोशी जी पे जांच बिठाई जानी चाहिए। ये लोग कौन लोग है, कोई नेक्सस नहीं है क्या, बिना एक नेक्सस के इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है। क्या सिर्फ बिहार में घोटाला हुआ, हर जगह हुआ, गोधरा में, गुजरात में, नहीं सबको खबर पता चली कि 10-10 लाख रुपए में बांटे गए पेपर, क्वेश्चन पेपर बांटे गए, यहां तक कि ये तो कर दिया गया। अरे सरकार बैठी, अरे प्रियंका जी उसके लिए सरकार बैठी है, सरकार फैसला करेगी, वो आपके कहने पे फैसला नहीं होगा, वो इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी है, इतने लोग बैठे, वो फैसला करेंगे तुम्हारे। अरे सुनो प्रियंका, वो तुम्हारे, अरे सुनो, तुम्हारे कहने पे फैसला नहीं होगा, वो हमें सरकार को क्या करना है वो जानते हैं सरकार। पहले तो ग्रेस मार्क्स के बारे में कुछ चर्चा, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा और विपक्ष सवाल उठा भी रहा है, लेकिन प्रियंका जी बहुत सीरियसली आप बात कर रही हैं, बहुत सीरियसली असेंबली के बाहर बैठे ना आप, धरना देके शाहिन जी।